मैं जैसे उठाती हूँ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बात बोल देती हैं, जैसे कैमरा ऑफ करती हूँ, जैसे कैमरा ऑन करती हूँ ये एकदम साइलेंट मोड पे चली जाती हैं। अच्छा फेस तो दिखा दो, अब कलर नहीं होगा, नहीं दिखाओगे ना? लास्ट तक ब्लॉग देखना अगर इनका फेस देखना चाहते हो तो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मनमीत कौर एंड टुडे आई एम शूटिंग माय फर्स्ट ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ अपना हेयर कलर करवाने एंड दिस इज सेकेंड टाइम आई एम गोना डू माय हेयर कलर। और चलिए फिर देखते हैं आज क्या क्या होता है, कैसे कैसे मस्ती होती है। अभी मैं जाऊँगी, मुझे जाना है किस मेट्रो स्टेशन, वहाँ पर मैं अपने एक फ्रेंड से मिलूँगी, फिर मैं उनके साथ आगे जाऊँगी अपना हेयर कलर करवाने। तो बने रहिए वीडियो में और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सी यू गाइस। मैं जो है अपनी वीडियो पहले ही बना स्टार्ट करना चाहती थी मॉर्निंग से ही, बट मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो मैंने सोचा मैं पहले रेडी हो जाती हूँ फिर मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ हेयर कलर करवाने, तो अभी पहले हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन, उसके बाद फिर आगे की वीडियो में आप देखते रहिएगा और क्या होगा। तो गाइज अभी मैं रिक्शा में बैठ चुकी हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। और प्लीज़ मैं सॉरी बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, अभी मैं रिक्शा में हूँ, अभी मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन और फिर मैं वहाँ पे जाके अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। सो गाइस अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ टिकट लेने, मीन्स टोकन लेने, फिर उसके बाद हम चलेंगे घूमने। मैं जा रही हूँ अपना हेयर सेशन करवाने। सो लेट्स सी क्या होता है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms. So guys, अब मैं मेट्रो से उतर चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ स्टेशन से बाहर। मैंने बताया था कि मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलूंगी, फिर उसके बाद हम लोग साथ में जाएंगे। अभी मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन के बाहर और मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी फ्रेंड से, इज एल्डर देन मी, मैं उनको दी बोलती हूँ। फिर जाते हेयर कलर करवाने के लिए एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड और मुझे भी खुद नहीं पता मैं क्या करवाऊँगी, बट लेट्स सी। मैंने लास्ट टाइम ब्राउन शेड करवाई थी एंड इस बार भी मैं ब्राउन शेड ही करवाऊँगी बिकॉज मुझे वो ज़्यादा बेस्ट लगती है। देखते हैं, मैं उनको कॉल कर लूँ देन फिर मैं आगे शूट करती हूँ। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन से बाहर और अभी मैं ऑटो में हूँ और मैंने जो बताया था कि मैं अपनी दी से आप लोग को मिलवाऊंगी। हाय हाय, बोलो मास्क उतार के दिखा दो। नो 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 नो, मेरा चालान कट जाएगा। चालान कट जाएगा। ओके तो जब हम लोग हेयर सेशन करवाने जाएंगे तब तो मैं दिखाई दूंगी। नहीं आप हमेशा अच्छे लगते हो। और ठीक है तो अभी हम लोग जा रहे हैं लोकेशन पे और लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ दी से थोड़ी बातें बातें करने, बाय। तो अभी हम लोग लोकेशन ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज है। मैं कौन सा कलर करवाऊँ? ऑरेंज। ऑरेंज। अभी मैंने दी से पूछा मैं कौन सा कलर करवाऊँ तो दी कह रही है वाइट करवा लो, ट्रेंड है। व्हाइट करवाने के बाद फिर व्हाइट ही रह जाएंगे। हाँ तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, दोबारा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, है ना? हाँ। ओके, अभी मैं कंफ्यूज हूँ और मैं वही हेयर कलर करवाऊंगी जो मुझे दी सजेस्ट करेंगी। यस, सबसे बेकार वाला बताऊंगी। सबसे बेकार वाला बताऊंगी। तो आप वो करवाना जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, फिर देखेंगे किसका ज्यादा बेकार लग रहा है। हम लोग रास्ता भूल गए आगे से राइट बोला था ना। हाँ यहाँ से राइट मे बी। हाँ हम पहुँच गए। ये हम फर्स्ट टाइम शूट कर रहे हैं व्लॉग इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आज धूप निकली है बहुत दिनों बाद। हाँ पहुँच गए बेटा। ओके सो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ लोकेशन।
देखो दी का फोन गिर गया, बच गया। आईफोन हेयर कलर करवाने के चक्कर में आईफोन का नुकसान हो जाता। गाइस हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी उनकी कुछ अंदर मीटिंग चल रही है, तो उन्होंने हमें कुछ टाइम वेट करने के लिए बोला है। दी का रिएक्शन दिखाती हूँ आप लोगों को, कितनी देर वेट करना है? 30-40 minutes. अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बड़ा भी अच्छा है। वेट करके कैसा लग रहा है? अभी हम लोग को 30-40 minutes वेट करना पड़ेगा। सो चलो कोई नहीं, तब तक के लिए हम ना कुछ रील्स शूट करते हैं, ऐसे कुछ मस्ती करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। बोलो कुछ तो, बोलो थोड़ा तो तेज बोलो यार। दी बोल दो, बोल दो। आपको किसने कहा आप सुंदर नहीं लग रहे हैं? यार कोई ये कह रहा है, लड़की ने कल भी ये जैकेट पहनी हुई थी, आज फिर ये जैकेट पहन के आ गई। क्यों कोई कहेगा? स्टोरीज में कभी ये मुझे गौरव ने दिलाई थी, इतनी बेकार महान जैकेट। गौरव भाई ने बेकार दिलवाई थी आपको? भाई जब ये देखेंगे ना, भाई देख लो, रेनू दी कह रही है कि आपने उनको बहुत बेकार जैकेट दिलवाई थी। ये हमेशा आपके बारे में ऐसे बोलती हैं जब मुझसे मिलती हैं, तारीफ नहीं करती कभी भी, इतना परेशान किया हुआ है आपने उनको, है ना? अच्छा फेस तो दिखा दो अब। नहीं आप ऐसे भी सुंदर लग रहे हो। Then show your face. पहले मैं थोड़ी और सुंदर हो जाऊँ। हमारी पब्लिक एक्साइटेड होगी देखने के लिए। Yes. सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। लास्ट तक ब्लॉग देखना अगर इनका फेस देखना चाहते हो तो। फेस रिवील करने के लिए लास्ट तक ब्लॉग देखना पड़ेगा। क्या भाई मैं नहीं हटा रही। मैं जैसे हटाती हूँ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बात बोल देती हैं, जैसे कैमरा ऑफ करती हूँ, जैसे कैमरा ऑन करती हूँ ये एकदम साइलेंट मोड पे चली जाती हैं। आपने मुझे बताया नहीं मैं कौन सा हेयर कलर करवाऊँ। ओके गाइस सो शी विल टेल मी लेटर। तो यार देखो व्लॉग हटाना नहीं जब तक पूरा देख ना लेना, वरना कुछ मिस हो जाएगा तो फिर हमारी गारंटी नहीं है। ओके चलो बाय। सो गाइस हम लोग को बैठे हुए आधा घंटा हो गया है और अभी तक हमारी बारी नहीं आई है, और हम लोग बैठे हुए हैं कि जल्दी जल्दी हमारी बारी है। एक्चुअली उनकी कुछ मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, हमने जिनसे अपॉइंटमेंट अपनी बुक की थी, सो वो अभी थोड़ा बिजी हैं, बट अभी जैसे ही वो फ्री होंगे उसके बाद हम लोग की बारी आएगी। और यहाँ पे रेनू दी, शी इज़ बिजी ऑन कॉल। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अपने हेयर कलर को लेके। लास्ट टाइम मैंने कुछ ब्राउन शेड करवाई थी और अभी मैं सोच रही हूँ कुछ अलग सा करवाऊँ, ब्लू पिंक, आई डोंट नो, अभी देखते हैं कि हम क्या करवाएंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। बस आई होप जल्दी जल्दी सेशन स्टार्ट हो जाए बिकॉज अब और वेट नहीं हो रहा है। मैंने सोचा था हम लोग फ्री बैठ के रील्स बनाएंगे, बट टू बी ऑनेस्ट हमने कुछ भी नहीं किया, खाली हम लोग बैठे हुए हैं और एकदम मन नहीं हो रहा कुछ भी करने का। अभी बस मुझे वेट है कि जल्दी जल्दी हमारा हेयर सेशन स्टार्ट हो। एज आई टोल्ड यू कि बिल्कुल अब वेट नहीं हो रहा है। यस पहली चीज़ तो ये कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो जो भी गलती होगी थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे व्लॉग बनाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं, तो अभी थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी ब्लॉग शूट नहीं किया है। तो जो भी होगा आई होप आप लोग को अच्छा ही लगेगा। तो यार ब्लॉग स्किप मत करना, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या करूँ, बट ठीक है धीरे धीरे हो जाएगा सब। तो लास्ट तक ब्लॉग देखना, कुछ भी स्किप मत करना प्लीज़।
गाइज शी इज़ बिजी इन क्लिकिंग योर पिक्चर्स एंड मेकिंग बूमरैंग्स ऑन इंस्टाग्राम. शी डोंट नो कि मैं उनको अभी शूट कर रही थी. शी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. Hey guys, so we both are done with our hair color. Okay, sorry, that way. अभी हम आपको अपना हेयर कलर दिखाते हैं. वेट, सो आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट? यस, ऑब्वियसली. We are actually getting late. हम कितने बजे आए थे यहाँ पे? हम लोग कितने बजे आए थे? Maybe शायद 12:30. और अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 8 बज गया है और हम लोग 12:30 बजे से आए हुए थे यहाँ पे. बहुत ज़्यादा लेट हो गया ना. हाँ. सो गाइज, आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगी बिकॉज मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी है और मैं दी के फ़ोन से अभी शूट कर रही हूँ और हमें घर भी जाना है. सो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी. अगर अच्छी लगी है सो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. लोग घर जा रहे हैं और प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताना आपको हमारा हेयर कलर कैसा लगा. और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना. मैं आपका इंस्टाग्राम हैंडल बता दूं जल्दी से. RT Production and Events इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, वो जाके फॉलो कर लो. और मेरा तो आपको पता ही है, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. जल्दी जल्दी फॉलो कर लो. और अगर बाय बाय बाय